Hello and welcome to the YouTube channel of Anand Super 100. We are back in front of you with some new English vocabularies. आज के सेशन में हमने फिर से चार होमोनिम्स को ऐड किया है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द हिंदू की वोकैबलरी. एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस सम स्टेट एंड सेंट्रल लेवल वोकैबलरीज फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स वे शब्द होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन थोड़ा सेम होता है, स्पेलिंग्स थोड़ी सी सेम होती है, मीनिंग भी जो है वो कभी कभी एक दूसरे से बहुत क्लोज रहती है. होमोनिम्स बहुत ज़्यादा वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. स्टेट लेवल के एग्जाम्स को देख लें आप, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स को देख लें, और हमारी जो डेली प्रोनंसिएशन होती है, डेली वोकैबलरी होती है, डेली जो बातचीत होती है, उस बातचीत में भी हम इन होमोनिम्स को ऐड कर सकते हैं उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए. तो ये जो सेशन है ये उन व्यूअर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए भी वो ये बहुत हेल्पफुल है जो जनरली अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं. चलते हैं बिना समय गवाए, चलते हैं तुरंत हमारे होमोनिम्स पर. पहला वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है अबेट, ABET, अबेट. अबेट का मतलब होता है प्रोवोक. हिंदी में इसका मीनिंग होगा उकसाना, उकसाना. प्रोत्साहित करना अलग होता है और उकसाना अलग होता है. एनकरेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और प्रोवोक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. बुरी बातों के लिए किसी को प्रोवोक किया जाएगा तो बुरी बातों के लिए किसी को अबेट किया जाएगा. और एनकरेज, जैसे पढ़ाई के लिए आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, मेहनत करने के लिए किसी को एनकरेज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाएगी. अबेट मतलब क्या होता है? प्रोवोक, उकसाना. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ही अबेटेड हिज ब्रदर टू डू दैट टास्क. मतलब उसने अपने भाई को प्रोवोक किया वो टास्क करने के लिए, वो कार्य करने के लिए. अब वो जो कार्य था वो हो सकता है बुरा कार्य था. तो अबेट मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसको आप याद रखेंगे. प्रोवोक याद रखने की एक ट्रिक है, बेट से अबेट याद रख सकते हैं, BET, बेट. बैट मतलब क्या होता है? शर्त लगाना. तो जनरली हम शर्त लगाते हैं तो किसी को किसी बुरे काम के लिए, उकसाने के लिए ही लगाते हैं जनरली. तो अब बैट को याद रखिएगा, बैट से. बैट किस चीज़ के लिए की जाती है? कोई बुरे काम के लिए, उकसाने के लिए. तो अब बैट भी क्या हो जाएगा? प्रोवोक. ठीक है, चलते हैं हमारे अगले वर्ड पर. नेक्स्ट वर्ड जो आप देख पा रहे हैं वो अब बैट का ही एक होमोनिम है, अबेट, ABET, अबेट. अबेट का मतलब होता है सबसाइड और रिड्यूस, मतलब कम करना. पैसिफाई भी आप इसका बोल सकते हैं, एक सिनोनिम इसका पैसिफाई भी हो सकता है. सबसाइड, रिड्यूस और पैसिफाई, कम करने के लिए आप यूज़ करेंगे अबेट का, ABET, अबेट. वो था ABET, अबेट. ये था ABET, अबेट. ये अबेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, या फिर टू पैसिफाई. सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट कीजिए. सेंटेंस लिखा हुआ है द स्टॉर्म अबेटेड ग्रेजुअली, मतलब जो स्टॉर्म था, जो आंधी थी, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई. तो कम होना, रिड्यूस होना, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ABET, अबेट. दोनों का प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम ही है. आपको स्पेलिंग में माइनर सा एक डिफरेंस दिखेगा, एक में ई आ रहा था बीच में, एक में बीच में क्या आ गया? ए आ गया, और लास्ट में ई आ गया. बहुत सिमिलर सा मीनिंग है, बहुत सिमिलर सी स्पेलिंग है, याद रखिएगा. चलते हैं हमारे तीसरे होमोनिम पर. थर्ड इस होमोनिम जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट. डिजर्ट जैसा कि आपने देखा है मरुस्थल को बोला जाता है, रेगिस्तान को बोला जाता है. ये जब नाउन के वे में यूज़ होगा तब ये डिनोट करेगा किसी मरुस्थल को, किसी रेगिस्तान को. और जब ये वर्ब की तरह डिनोट होगा सेंटेंस में तब यही डिजर्ट बिहेव करने लगता है अबैंडन करने के लिए, छोड़ देने के लिए. अबैंडन मतलब बुरी तरह से किसी को छोड़ देना, तब आप यूज़ करते हैं डिजर्ट का. तो वर्ब के फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है? अबैंडन, टू अबैंडन, छोड़ देना. और नाउन के फॉर्म में इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फिर मरुस्थल या फिर रेगिस्तान. तो आप वर्ब और नाउन देखिएगा सेंटेंस में किस वे में लिखा हुआ है. आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, एक वर्ब की तरह डिनोट किया गया और एक में नाउन की तरह डिनोट किया गया. फर्स्ट सेंटेंस जो देख पा रहे हैं वो वर्ब की तरह डिनोटेड है और उसमें लिखा हुआ है ही वॉज deserted by his friends during his bad times. मतलब उसको छोड़ दिया गया था अपने दोस्तों के द्वारा बुरे समय पर. यहाँ पर ये मीनिंग किसका दे रहा है? अबैंडन का. deserted, deserted, deserted का मतलब क्या हुआ? टू अबैंडन, छोड़ देना. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस जो आप देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है द थार डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट. मतलब जो थार डेजर्ट है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है. तो यहाँ पर थार डेजर्ट बोला आपने, तो आप इसमें डेजर्ट को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? मरुस्थल की तरह यूज़ कर रहे हैं. तो ध्यान रखिएगा कि जो डेजर्ट शब्द है ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ हुआ है या वर्ब की तरह, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. चलते हैं हमारे चौथे होमोनिम पर. चौथा होमोनिम जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो डिजर्ट का ही एक होमोनिम है जो कि लिखा हुआ है डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट. स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, एक में डबल एस है,
एक मिनट, सिंगल एस था, जो सिंगल एस वाला था वो रेगिस्तान था, ये जो डबल एस वाला, डबल एस वाला है इसको बोलते हैं जो मीठा होता है, स्वीट फूड होता है, मिठाई होती है जो खाने के बाद या खाने के पहले आप खाते हैं, थोड़ी सी जो मिठाई होती है, स्वीट डिश बोल सकते हैं आप, उसके लिए यूज़ करते हैं आप इस डेज़र्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिज़र्ट आफ्टर द मील वॉज वेरी डिलीशियस, मतलब मील के बाद में, खाने के बाद में जो डिज़र्ट था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में माइनर सा डिफरेंस है, याद रखिएगा कहाँ पर किसको नाउन की तरह यूज़ किया है, कहाँ पर किसको वर्ब की तरह। ये जो डिज़र्ट है ये हमेशा कैसे यूज़ होगा, नाउन की तरह, मिठाई क्योंकि क्या होगी, एक तरह की नाउन होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे चार होमोनिम्स। सबसे पहला वर्ड हमने क्या देखा, अबेट, अबेट का मतलब था प्रोवोक, टू प्रोवोक, उकसाना। दूसरा वर्ड जो देखा वो था अबेट, उसका मतलब था टू सबसाइड या फिर टू रिड्यूस, घटाना, कम करना। तीसरा वर्ड जो आपने देखा वो था डिजर्ट, उसका मतलब मरुस्थल भी होता है और छोड़ देना भी होता है। चौथा जो वर्ड था वो था डिजर्ट, इस डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई या फिर अ स्वीट डिश। ये थे हमारे चार होमोनिम्स इस सीरीज के। चलते हैं तुरंत हमारे द हिंदू वोकैबुलरी पर। जो पहला वर्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल, टी आई एन टी ई आर एम आई एन ए बी एल ई, इंटरमिनेबल। टर्मिनेबल का मतलब क्या होता है, जिसे रोका जा सके, और इंटरमिनेबल उसका अपोजिट हो जाएगा। इंटरमिनेबल का मतलब होगा अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, जो चलता ही जा रहा है, कंटिन्यूइंग है, जो जो रुक ही नहीं रहा है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे इंटरमिनेबल का। तो इंटरमिनेबल क्या होगा, अनस्टॉपिंग, जिसे रोका ना जा सके, जो चलता ही जा रहा है, शुरू हो गया एक बार तो वो बंद ही नहीं हो रहा है। अनएंडिंग इसके लिए सही वर्ड आपका सिनोनिम होगा, अनएंडिंग या फिर अनस्टॉपिंग, अनस्टॉपेबल, उसके लिए यूज़ करेंगे आप इंटरमिनेबल का। सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट कीजिए, सेंटेंस लिखा हुआ है ही टॉक्स इंटरमिनेबली, मतलब वो कैसे बात करता है, बिना रुके बात करता है, बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है। तो बोलते ही जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरमिनेबली। बारिश हो रही है जो रुक ही नहीं रही है, कोई प्रोसेस है जो एंड ही नहीं हो रही है, परेशानियां हैं जो खत्म नहीं हो रही हैं, तो उन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं इंटरमिनेबल का। तो इंटरमिनेबल का मतलब जो कभी ना रुके, टर्मिनेबल, इंटरमिनेबल। टर्मिनेट करना मतलब रोक देना, टर्मिनेबल जिसे रोका जा सके, और इंटरमिनेबल जिसे रोका ना जा सके, जो अनएंडिंग हो, जो चलता ही जाए। सारे वर्ड्स को साथ में देखिएगा। चलते हैं सेकेंड वर्ड पर। दूसरा वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स देखिए क्या लिखे हुए हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंटेड, सजेस्टेड और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन जो एसेंस है वो एसेंस बता रहा है कि वो चीज़ इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है उसमें। तो हिंदी से याद रखेंगे तो सही रहेगा, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा, अंतर्निहित, जो सजेस्टेड है, जो इनडायरेक्ट है। सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हम। सेंटेंस लिखा हुआ है हिज ट्वीट इम्प्लिसिट्स हिज क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स द पॉलिसी, मतलब उसने जो ट्वीट की थी उसने क्या इम्प्लिसिट किया, उसने ये इम्प्लिसिट किया उसका क्रिटिसिज्म, मतलब वो आलोचना कर रहा है जो जनरल पॉलिसीज चल रही हैं उसकी। ठीक है, तो इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित, जो डायरेक्टली नहीं शो हो रहा है लेकिन कहीं कहीं आपको अंदेशा लग रहा है जो अंतर्निहित है उस चीज़ में, उसके लिए यूज़ करेंगे आप इम्प्लिसिट का, वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे तीसरे वर्ड पर। थर्ड वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इंटेल, ई एन टी ए आई एल, इंटेल, ई एन टी ए आई एल, इंटेल। इस इंटेल का मतलब होता है मेक नेसेसरी या फिर टू नेसेसिटेट, मेक नेसेसरी या फिर टू नेसेसिटेट, मतलब आवश्यक करना, आवश्यक कर देना, उसके लिए यूज़ करेंगे आप किसका, इंटेल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है परफेक्शन इंटेल्स प्रैक्टिस, परफेक्शन इंटेल्स प्रैक्टिस, मतलब जो परफेक्शन होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस तो परफेक्शन के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, ऐसा कोई टास्क जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे इंटेल वर्ड का। चलते हैं हमारे चौथे वर्ड पर, रिपग्नेंट। चौथा वर्ड जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है रिपग्नेंट, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब लिखा हुआ है एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल या फिर अबहोरेंट। अबहोरेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा घृणा के योग्य है, जो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, बहुत आपको बिल्कुल नफरत है जिस चीज़ से, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं रिपग्नेंट वर्ड का भी। सेंटेंस से रिलेट कीजिए। सेंटेंस लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम इज एक्सट्रीमली रिपग्नेंट फॉर मी, मतलब एग्जाम में चीटिंग करने का जो आइडिया है वो कैसा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अबहोरेंट है, बहुत ज़्यादा रिपग्नेंट है, मतलब
एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. जो चीज़ आप देखना ही नहीं चाहते आप बिल्कुल एक्सेप्ट, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए भी आप स्वीकार नहीं कर सकते, उसके लिए यूज़ करेंगे आप रिपग्नेंट का. ठीक है, चलते हैं हमारे पांचवें वर्ड पर. फिफ्थ वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट का मतलब है क्लियर या फिर ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट बोल सकते हैं आप इसका, जो जाहिर है, जो स्पष्ट है, उसके लिए यूज़ करेंगे आप मैनिफेस्ट. सेंटेंस से रिलेट कीजिए, द वर्कर्स ट्राइड टू मैनिफेस्ट देयर इंटेंशंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन थ्रू रेगुलर स्ट्राइक्स. मतलब जो वर्कर्स थे उन्होंने कोशिश की जाहिर करने की अपना डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता जाहिर करने की कोशिश की सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स से, एक के बाद एक हड़ताल करते जा रहे हैं. मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हो रहा है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है. मैनिफेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, कुछ ऑब्वियस करना, कुछ स्पष्ट करना. जब आप किसी को कुछ ऑब्वियसली बताना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, तब आप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्ट. यूज़ कैसे होता है, ये सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज़ होता है. ठीक है, तो ये थे हमारे पांच द हिंदू वोकैबुलरी. अब क्विकली चलते हैं हमारे ऐसे वर्ड्स पर जो स्टेट और सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये वर्ड्स रिपीटेडली कई सेंट्रल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. SSC के भी फेवरेट वर्ड्स हैं ये, और वेरियस स्टेट लेवल के एग्जाम्स जो पुलिस कंडक्ट करती है या जो पुलिस कंडक्ट करवाती है उनके वेरियस पोस्ट के लिए जो कंडक्ट होती हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं. तो ये वर्ड्स देखिए, पहला वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कोवेनेंट, COVENANT, कोवेनेंट. कोवेनेंट का मतलब होता है बॉन्ड या फिर अग्रीमेंट, शपथ पत्र या फिर प्रतिज्ञा पत्र भी आप इसको बोल सकते हैं, शपथ पत्र या प्रतिज्ञा पत्र. बॉन्ड कोई एग्रीमेंट, उसके लिए डायरेक्टली यूज़ किया जाता है कोवेनेंट का. आप इमेज से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, इमेज में भी आपको एक नज़र आ रहा है कुछ ऐसे शपथ पत्र टाइप का, स्टाम्प पेपर टाइप का आपको नज़र आ रहा है. तो कोवेनेंट मतलब क्या होता है, ऐसे ही कोई बॉन्ड या फिर अग्रीमेंट. Entered into a covenant under the treaty. मतलब उन्होंने क्या किया, एक प्रतिज्ञा पत्र हस्ताक्षरित किया या फिर वो एक covenant, एक deal, एक agreement में enter हो गए, शामिल हो गए treaty के अंतर्गत. तो covenant का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र या फिर प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा लेने के लिए भी आप इसका use कर सकते हैं. चलते हैं दूसरे word पर. Second word जो आप screen पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ abrogate, ABROGATE, abrogate. Abrogate का मतलब होता है to abandon. अभी इसी सीरीज में हमने थोड़ी देर पहले एक होमोनिम देखा था डेजर्ट. डेजर्ट का मतलब भी क्या था, छोड़ देना. तो वो जो डेजर्ट है वो वर्ब की तरह जब यूज होगा तब वो abrogate के लिए यूज किया जा सकता है. तो abrogate का मतलब होता है छोड़ देना, to abandon. इसके लिए एक और बहुत प्यारा सा वर्ड आप यूज कर सकते हैं, to abjure. तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों को साथ में याद कीजिए, abrogate और to abjure. मतलब त्याग देना, छोड़ देना, या फिर आप बिल्कुल समाप्त करने के लिए, घटाने के लिए, हटाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं abrogate का. सेंटेंस से रिलेट कीजिए, सेंटेंस लिखा हुआ है द लॉ वॉज abrogated in 1929. मतलब जो लॉ है उसको हटा दिया गया था, कब हटा दिया गया था, 1929 में. तो abrogate का मतलब होगा छोड़ देना, त्याग देना. चलते हैं हमारे तीसरे वर्ड पर. थर्ड वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है colossal, COLOSSAL, colossal. colossal का मतलब होता है enormous या फिर huge, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, उसके लिए यूज़ करते हैं colossal का. enormous amount के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत मात्रा, बहुत संख्या के लिए भी इसका यूज़ होता है colossal का. सेंटेंस से रिलेट कीजिए, सेंटेंस लिखा हुआ है ही रिसीव्ड अ colossal अमाउंट ऑफ मेल आफ्टर द कॉन्सर्ट. मतलब कॉन्सर्ट के बाद उसने कैसे मेल्स रिसीव किए, colossal अमाउंट ऑफ, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मेल्स रिसीव किए. colossal का मतलब क्या होगा, ह्यूज, colossal, इसको पढ़ना है colossal, COLOSSAL, colossal. चलते हैं हमारे चौथे वर्ड पर. चौथा शब्द जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्रोलिफरेट, PROLIFERATE, प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ना, इंक्रीज रैपिडली, बहुत ज़्यादा स्पीड से, तेज़ी से बढ़ना. ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किसी का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई सक्सेस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, बहुत पॉजिटिव वर्ड है. तो किसी की सक्सेस के लिए आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं. सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज स्टार्टअप प्रोलिफरेटेड रैपिडली आफ्टर 2017. मतलब 2017 के बाद जो उसका स्टार्टअप था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, मतलब उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया. प्रोलिफरेट को आप प्रॉफिट शब्द से भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, तेज़ी से प्रॉफिट कमाना, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोलिफरेट, तेज़ी से प्रॉफिट कमाना, प्रोलिफरेट. तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ना. चलते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड पर. फिफ्थ वर्ड जो आप देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड. इंट्रेपिड का मतलब होता है फियरलेस,
निर्भीक के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये कोई फाइटर है जो बहुत निर्भीक है, कोई वक्ता है जो बिना किसी भय के बोलता है, दोनों के लिए इंटरप्रेट वर्ड का यूज़ हो सकता है। सेंटेंस से रिलेट कीजिए, सेंटेंस लिखा हुआ है द महात्मा गांधी वॉज एन इंटरप्रेट स्पीकर, मतलब महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, एक इंटरप्रेट स्पीकर थे, निर्भीक वक्ता थे। तो निर्भीक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रेट पर, इंटरप्रेट के लिए। आप जो वोकैबलरी है उनको याद करने के लिए ये जो वर्ड्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, तो ये जो पर्सन और प्लेस से आप डायरेक्टली अगर रिलेट कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। आपका कोई फेवरेट लीडर है, आपका कोई फ्रेंड है जो कुछ भी मुंह पे बोल देता है और उसे बिल्कुल डर नहीं रहता, आप उसके लिए भी इस इंटरप्रेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर उससे रिलेट कर लेंगे कि मेरा वो फ्रेंड है, मान लीजिए रोहन है, रोहन बहुत इंटरप्रेट स्पीकर है, इस टाइप से अगर आपने याद कर लिया तो आप इंटरप्रेट को हमेशा के लिए दिमाग में याद रख लेंगे, वो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप किसी पर्सन से रिलेट कर सकते हैं अगर, तो कर लिया कीजिए, ठीक है। ये थे हमारे 5 स्टेट और सेंट्रल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वोकैबुलरी। इस सीरीज़ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से जल्दी से हाजिर होंगे आपके सामने कुछ नए वोकैब्स लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।